दो बड़े घरेलू टूर्नामेंट्स से पहले बीसीसीआई कर सकता है बड़ा ऐलान, बायो बबल को भी किया जा सकता है खत्म। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। अप्रैल महीने में होने जा रहे दो बड़े घरेलू टूर्नामेंट्स कूच बिहार ट्रॉफी और वुमेन्स सीनियर टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट से पहले बीसीसीआई कोरोना से संबंधित नियमों में बदलाव कर सकता है, साथ ही बायो बबल को भी खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा कौन से बदलाव इन घरेलू टूर्नामेंट से पहले बीसीसीआई कर सकता है, आइए ये रिपोर्ट देखते हैं और आपको बताते हैं पूरी जानकारी। बीसीसीआई अपने घरेलू टूर्नामेंट में कोरोना संबंधित पाबंदियों को समाप्त करने जा रहा है। बीसीसीआई ने कोविड प्रोटोकॉल्स में ढील देने की शुरुआत भी कर दी है, खासकर इसकी शुरुआत क्वारंटीन से होने जा रही है। बोर्ड ने अप्रैल महीने में शुरू होने वाले दो टूर्नामेंट के लिए क्वारंटीन में रहने के कंपल्शन को भी समाप्त कर दिया है, साथ ही ठहरने की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि कूच बिहार ट्रॉफी और वुमेन सीनियर टी20 टूर्नामेंट के लिए सभी यूनिट और टीम्स को मेल भेजा जा चुका है, जिसमें क्वारंटीन से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आने वाले समय में बोर्ड आईपीएल समेत अपने घरेलू टूर्नामेंट से बायो बबल की अनिवार्यता को भी खत्म कर सकता है। बोर्ड ने कौन सा मेल सभी टीम्स को फॉरवर्ड किया है, आइए इसके बारे में भी बताते हैं। सभी स्टेट्स और टीमों को बीसीसीआई की ओर से एक मेल मिली है, जिसमें टीम के क्वारंटीन पीरियड में रहने के कंपल्शन को समाप्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अब होटल के एक कमरे में एक साथ दो खिलाड़ी भी ठहर सकते हैं। अभी तक हर एक खिलाड़ी के लिए एक अलग रूम अलॉट किया जाता था। नए निर्देशों के अनुसार खिलाड़ी वेन्यू पहुंचकर अब प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं। अभी तक घरेलू टूर्नामेंट में टीम्स के लिए कम से कम 3 दिन का क्वारंटीन जरूरी था। बोर्ड ने खिलाड़ी, स्टाफ और ऑफिशियल्स के लिए अब भी आरटीपीसीआर को जरूरी तौर पर रखा है। टीम्स के पहुंचने के बाद खिलाड़ियों के बार बार कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। यहां बताना जरूरी है कि कोरोना के बाद ये पहले टूर्नामेंट होंगे जो क्वारंटीन पीरियड के बिना खेले जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले 3 साल से कोरोना की पाबंदियों से गुजरने के कारण खिलाड़ी मानसिक थकान का शिकार भी हो रहे हैं। उन्हें हफ्तों का समय एक कमरे में ही गुजारना पड़ता था, इससे खिलाड़ी को फॉर्म में आने में भी समय लगता है और प्रैक्टिस के लिए भी समय नहीं मिल पाता था और वे अपने साथी खिलाड़ी से भी नहीं मिल सकते थे। अब कौन कौन सी चीजें बदलने वाली है, आइए पॉइंट्स में आपको बता देते हैं। पहले 3 दिन का क्वारंटीन जरूरी था, अब ये नहीं होगा। खिलाड़ी वेन्यू में पहुंचने के बाद दूसरे दिन प्रैक्टिस कर सकेंगे। क्वारंटीन पूरा होने से पहले प्रैक्टिस नहीं होती थी। पहले खिलाड़ियों को जिम भी जाने के लिए नहीं मिलता था, अब एक टीम के वर्कआउट करने के बाद सैनिटाइजेशन होगा और फिर उसके बाद दूसरी टीम वर्कआउट कर पाएगी। खिलाड़ी एक दूसरे के रूम में जा सकेंगे, पहले ऐसा नहीं था। गेंदबाजी के दौरान साथी खिलाड़ी कैप होल्ड करते थे, अब अंपायर होल्ड करेंगे। आपको ये तमाम जानकारियां कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।